These are the ponies that we'll be having, that will be accompanying us on the way. Hey Blackie. Hey babe. People of Bada Bangal are living and are able to stay there because of these ponies. All of our stuff will also go here on these. 10-year-old, the youngest companion of our trip. कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए प्लाचन में। प्लाचन? और कितना बचा यहाँ से आगे? तो ठीक है सब, सामने देख लो रास्ता होगा। ठीक है रास्ता, रास्ता ठीक है। मौसम तो बहुत बढ़िया है। मौसम तो बढ़िया यार। तो अभी हम लोग चले हैं प्लाचक, विच इज़ राइट हियर, 5 किलोमीटर आगे दावड़ी और 11 किलोमीटर पनियाटू, फिर वहाँ से 23 किलोमीटर्स बड़ा बंगा। सो टुडे वी विल वॉक टिल पनियाटू, इट्स अ टोटल ऑफ 16 किलोमीटर्स मोर अकॉर्डिंग टू दिस। एंड इट इज़ वेलकम टू द मॉलिन थाल। रास्ता था वो सीधे ऊपर से ही था और फिर वहाँ पे स्लाइडिंग होने की वजह से तो फिर जो अब रास्ता है यहाँ के लिए वो डाइवर्ट हो चुका है। तो उस रास्ते के लिए पहले आपको नीचे उतरना पड़ता है, फिर नदी क्रॉस करके वापस दूसरी तरफ जाना पड़ता है। वो रास्ता उसी में जाकर मिलता है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रिवुलेट्स और नदियाँ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये जो सामने यहाँ पे अभी हम उहल नदी के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है उसे फिर से क्रॉस करें। बड़ा बंगाल के लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन है पर फिर भी उनकी विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। इन द माउंटेंस कुछ एक हाइट के बाद जो ट्री लाइन होती है, ट्री लाइन के बाद व्हेन द ट्री लाइन एंड्स यू गेट टू सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स जो आपको एक सर्टेन हाइट के बाद ही मिलते हैं एंड लॉट्स ऑफ जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो यू कैन सी लाइक। Convert into fruit and when they are ripe then they just burst open and throw the seeds all over to ensure that the next plant takes roots far away from the main plant.
For example, I'll just touch it and it'll burst. So this happens for what? When they are ripe. When they are ripe. So that dispersion, seed dispersion. Thanks to my biology teacher. तो अभी हम लोग जौड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ से पनीहाटू के लिए हमें 2 घंटे और लगेंगे। काफ़ी ऊपर नीचे वाला ट्रैक रहा और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एक पीछे एक वाटरफॉल है। और अभिक्षित कैसा जा रहा है? मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है ना। ये वाटरफॉल देखो यार, ये वाटरफॉल देख के व्यूअर्स को खुद ही समझ में आ जाएगा कितना अमेजिंग है यार ये। हमें बताने की ज़रूरत। ये चाय कैसा टेस्ट है इस चाय का? बहुत अच्छा है। हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस चाय? लेमन टी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ मिलेगी हमें, बट सो ग्रेटफुल कि आज लेमन टी मिल रही है। मैं घर में रोज़ पीता हूँ यार ये लंच के बाद। हमारी आंटी बहुत अच्छा बनाती हैं तो उनकी याद आ गई। फ्रेंड्स चाय पी लो। ऐसा फील आ रहा है ये देख के। इतनी फोग होती थी और वो इतना ही स्नो होती थी, बस कहीं से डेड किंग आ जाएगा। वाइट वॉकर्स तो हम लोग ही हैं। विजिबिलिटी का मेन इशू है, विजिबिलिटी बहुत कम है तो उसमें जो रास्ता होता है वो भी नहीं दिखता है। और स्पेशली ग्लेशियर है तो इसमें थोड़ा और डाइसी हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा स्लो भी है। हाँ स्लोप नहीं है, लेकिन इसमें एक मुझे ख़तरा क्रेवासेस का है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक डिप है। तो इससे हमें ये पता चल जाए क्रेवास के होने का चांसेस हैं। हाउ इज़ द डिफरेंस ब्रो? येट टू एक्सपीरियंस द डिफरेंस, बट दैट टाइम इट हैड फ्रेश स्नो ओवर इट, जस्ट स्किड ओवर इट। बट राइट नाउ इट्स लाइक मोर कंडीशंस आर एडवर्स हियर, so we cannot take any chances. That's true. And the but sound if we of fall, it'll be like a rock. And the sound of the river flowing, that's underneath us. So there can be one point, a crevasse, from where we can fall into the water. जिस जगह पे हमने lunch किया था, that place is called Jordi, and the glacier we are standing right now, show it. So this glacier, अभी हम Jordi से around 5 kilometers ऊपर आ गए हैं, और हमें ऐसा पता चला है कि ये ग्लेशियर जोड़ी तक होता था। तो ये ग्लेशियर कितना ज़्यादा रिसीड कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे हमारे हिमाचल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना होने वाला, जो अभी तक हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर ये काला काला ये दिख रहा है। अभिक्षित क्या बता रहे थे आप? मैंने फुनसुख बांगडू जी का वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि जब डीजल कार चलती है और डीजल कम्बस्ट होता है तो डीजल के जो बर्न्ड ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में निकल के हवा के साथ ऊपर आ जाते हैं, जब वो लाइट होते हैं, और वो आके फिर ग्लेशियर पे सेटल हो जाते हैं। जो आप ये ब्लैक एरिया देख रहे हैं ग्लेशियर पे सारा, ये सारा वही है। और ये जब यहाँ सेटल हो जाता है ग्लेशियर के ऊपर तो ये हीट ट्रैप करता है, और हीट ट्रैप करने की वजह से ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाता है। Thank you.
आधे गति माल लगे क्रॉस करना। अच्छा गर्मी में वो एक भेड़पाल को गिर गया यहाँ से। अच्छा वो दो घंटे गए तो पाँच छः घंटे में देखा वो खत्म हो गया। फिर इतनी से बात कटा भी लोग बंदे बुंदे आए फिर कल यहाँ से भेड़पाल एक चला गया। भेड़पाल कहाँ से? यहाँ से देड़ी नहीं से, इसको बोलते देड़ी नहीं। देड़ी देड़ी one of the most difficult parts of our journey. Abhi, this is a matter of life and death. Not for us, but for the ponies that we rented. Samne pani hai. थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इट्स 9:40, हमने खाना वगैरह खा लिया है, बहुत ही अच्छा खाना बनाया था इन्होंने यहाँ पे। एंड वी आर स्टेइंग एट, क्या जगह का नाम क्या है यहाँ पे? पनीहाटू। पनीहाटू। और यहाँ से हाइट 3500 मीटर्स के अराउंड है, अप्रॉक्सीमेटली 3500 मीटर्स है। और कल सुबह हम लोग थमसर के लिए चलना शुरू करेंगे। यहाँ से थमसर है ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स है, लेकिन बोल रहे हैं 3-4 घंटे लग जाएंगे क्योंकि पूरा स्टीप है, पूरा स्टीप सीधे बहुत ही 70% बोल रहे हैं ग्रेडियंट। वैसे तो पता नहीं कितना होगा, देखते हैं। वैसे तो 45% भी बहुत ज़्यादा होता है, पर देखते हैं। और कल सुबह हमने 5:30 बजे उठने का प्लान किया है। अभी हमारा एक छोटा सा बुक रीडिंग सेशन चल रहा था। खाना खा लिया है और बस सो रहे हैं।